2024 में बीबीए तो करनी है, लेकिन बीबीए जनरल ऑप करें या बीबीए ऑनर्स, इसका कंफ्यूजन है। करियर अपॉर्चुनिटीज किसके बाद बेटर रहती है, एडमिशन क्राइटेरिया किसका ज्यादा इजी रहता है, और कोर्स स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। अगर ये सभी आपके क्वेश्चंस हैं तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि हम डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स कोर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि, मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट मार्केटिंग एंड एचआर। मुझे 4 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, इसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स कोर्स के डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो मेजर डिफरेंस ये रहता है कि बीबीए जनरल में से आपको कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऑफ नहीं करनी पड़ती। आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशंस जैसी स्पेशलाइजेशंस का ओवरव्यू, एक आउटलाइन आपको मिल जाती है। यहीं पर इसको कंपैरिजन करें बीबीए ऑनर्स से, तो इनमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन आपको ऑप्ट करनी रहती है और उसका इन डेप्थ स्टडी आपको आगे की क्लासेस में करना होता है ताकि आप मास्टर कर सको उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में। एग्जांपल के लिए, आप जब 10th करते हो तो आप इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस सारे कोर्सेज स्टडी करते हो। यहीं पर 11th में आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑप्ट करते हो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में से, और उसी के बेसिस पे आपके आगे का करिकुलम बेस्ड होता है। यही मेजर डिफरेंसेस रहते हैं दोनों में। बीबीए जनरल की कट ऑफ रिलेटिवली लोअर रहती है, क्योंकि बीबीए ऑनर्स में ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, इसलिए वहां पे कट ऑफ ज्यादा हाई रहती है। बीबीए जनरल बीबीए ऑनर्स की सिमिलैरिटीज की अगर बात करें तो दोनों ही 3 साल के प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट बिजनेस लेवल कोर्सेज है, जो मेरिट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों के बेसिस पे ही आपका एडमिशन लेते हैं। CUET, CET, SET, NPAT, UGAT और IPMAT बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहते हैं। दोनों ही कोर्सेज आपको स्टडी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं रेगुलर, ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड में से ऑप्ट करने का। दोनों की एवरेज फीस आपकी 50,000 टू 3 लाख के बीच में रहती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस रिलेटिवली लोअर चार्ज करते हैं और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है। दोनों ही कोर्सेज का एम रहता है आपके मैनेजमेंट, लीडरशिप और बिजनेस क्वालिटीज को डेवलप करना। 2 से 8 लाख के एवरेज पैकेज और 15 लाख प्लस के हाईएस्ट पैकेज पे यहाँ पे हायरिंग होती है। बीबीए जनरल बीबीए ऑनर्स की कोर्स स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में दोनों कॉमन फाउंडेशन स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, बिजनेस एथिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यहीं पे जब हम सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तो बीबीए जनरल में इन्हीं कोर्सेज के अराउंड आपको इन डेप्थ स्टडी कराई जाती है ताकि फोकस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रहे। इन कंपैरिजन टू बीबीए ऑनर्स, जहां पे आपको एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है और बाकी का करिकुलम उस स्पेशलाइजेशन पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, आपने डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करी है तो डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, विजुअल डिजाइनिंग, कंटेंट मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। बीबीए ऑनर्स में आईटी, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस जैसी कॉमन स्पेशलाइजेशंस के अलावा न्यू एज स्पेशलाइजेशंस भी ऐड होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड मोर, जिसमें से आप चूज कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के होलसम ब्लेंड्स हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के कॉम्बिनेशन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट से फेमिलियराइज कराया जाता है। बाकी सारे सेमेस्टर्स और ईयर्स ऐसे ही डिवाइडेड रहते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। बीबीए जनरल बीबीए ऑनर्स कोर्स हेल्प करते हैं आपके करियर पाथ को चूज करके उसको फॉलो करने में 4 तरीकों से। पहला है अनसर्टेनिटी रिमूव करना। अगर अभी आपको पता नहीं है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपका इंक्लिनेशन क्या है, तो आप बीबीए जनरल ऑप्ट करके अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, बीबीए कोर्स के टाइम आपने रियलाइज करा कि मार्केट कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग जैसे सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं, तो आप मार्केटिंग ऑप्ट करके इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स ले सकते हो या फिर उसको और रिफाइन करने के लिए अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर सकते हो। सेकेंड है आपका वर्सेटाइल चॉइसेस। चाहे CS, CA, CMS जैसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप परस्यू करना चाहते हो या CAT, MAT, ZAT जैसे हायर स्टडीज एग्जामिनेशंस देके MBA, PGDM करना चाहते हो या फिर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ही क्यों नहीं देना चाहते हो, BBA टाइम और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हटा के आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म देता है और आपको अलाउ करता है ये सभी चीजें परस्यू करने में। थर्ड, BBA आपका सेक्टर लिमिटेशन एलिमिनेट करता है। अगर आपने BBA IT सेक्टर में करी है तो IT डिपार्टमेंट हर एक सेक्टर में आपको मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, एडटेक, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बंद के नहीं रह जाते हो। फोर्थ है आपका वैल्यू एड ऑन, क्योंकि कॉलेज आज के टाइम पे आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते थ्योरेटिकल नॉलेज में, और प्रैक्टिकल नॉलेज इम्बाइब करने के लिए कोर्सेरा, गूगल, इंटर्नशिला और सिंपली लर्न जैसे प्लेटफॉर्म से आपको प्रैक्टिकल या डोमेन स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस करने के लिए एनकरेज करते हैं। बहुत ही अच्छे और टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स कोर्स परस्यू करने में। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज बीबीए जनरल के लिए अच्छी चॉइसेस हैं। बीबीए ऑनर्स के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। और भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी फीस रिलेटिवली हाई एंड पे रहती है, 9 लाख प्लस फीस इनकी जाती है, वो है ओपी जिंदल, जेडी गोयनका और अहमदाबाद यूनिवर्सिटीज।
आई होप इस वीडियो के बाद बीबीए जनरल और बीबीए ऑनर्स में से चूज करना आपके लिए इजी होगा और इन फैक्ट्स के बेसिस पे आप अपनी चॉइसेस को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या पसंद आई हो तो बीबीए फंडास बाय सनस्टोन को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस, कंसर्न्स कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड करो ताकि हम उनको आने वाली वीडियोस में क्लैरिफाई कर पाए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ हैप्पी फेस्टिव सीजन एंड बाय बाय।